है कि दे कुड नॉट हैंडल मल्टीपल रिजेक्शन। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब मैं वियतनाम से एज ए नेवी पायलट वापस आया तो मैं लोगों से बहुत शर्माता था। मैं लोगों को मार सकता था लेकिन उनसे बात नहीं कर सकता था। नौकरी छोड़ने के बाद जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से कहा कि मैं भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, तो इस पर रिच डैड ने कहा कि तुम में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, तुम बहुत शर्मीले हो, तुम रिजेक्शन से डरते हो। एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी स्किल है सेलिंग, उसे प्रोडक्ट्स को बेचना आना चाहिए। जो रिजेक्शन से डरता है वो कभी भी सेलिंग नहीं कर सकता। लेकिन रॉबर्ट ने खुद को इम्प्रूव किया। उन्होंने 1974 में जीरोक्स कंपनी ज्वाइन की और सेलिंग करना सीखा, जहां पर वो बेस्ट सेल्समैन बने। फिर उन्होंने वॉलेट बनाने वाले बिजनेस स्टार्ट की, उसमें भी वो फेल हुए, लेकिन अब फाइनली हम सब उनका नाम जानते हैं और उन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर हम मिस्टेक करने से डरते हैं तो स्कूल में ही रहो, कन्वेंशनल जॉब करो, क्योंकि ये ज्यादा सेफ है। अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो हमें मिस्टेक तो करनी ही पड़ेगी और उसी से सक्सेस भी मिलेगी। Afraid of making mistakes, get a job. You'll do very well there. But you're going to be an entrepreneur, you're going to make mistakes. Next point कहता है कि they do not take risk. Elon Musk, जब USC Marshall School of Business में graduates को commencement speech दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये सबसे अच्छा time है risk लेने का. Now is the time to take risk. Now is the time to take risk. और ये उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि young graduates के अभी कोई बच्चे नहीं हैं. और मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोगों का यंग एज में कोई डिपेंडेंट नहीं होता। हमारी जितनी एज होती रहती है उतनी ऑब्लिगेशंस हम पर आती रहती है। जब हमारी फैमिली स्टार्ट हो जाती है तो उस वक्त जो हम रिस्क लेंगे वो रिस्क सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हमारी फैमिली का भी होगा। और उस वक्त ऐसी चीजें करना जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि वो फ्यूचर में चलेंगी भी या नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए यंग एज में हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले हम उसे पार्ट टाइम स्टार्ट कर लें। Netflix, Amazon Prime में सीरीज देखने से बेटर है कि हम अपनी गोल की तरफ काम करें। और जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ तो खुद ही एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि जॉब छोड़ना लॉजिकल बन जाएगा। बाकी अगर आपके पास कोई और आइडियाज हैं तो आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दे अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग।